हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी ट्रैक क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, चैप्टर है सॉल्यूशन। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। या हम इसी को कहते हैं द्रव का द्रव में मिश्रण या द्रव द्रव मिश्रण। डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हमने देखा कि कुछ लिक्विड आपस में पूरी तरह से घुलते हैं, जैसे अल्कोहल और पानी को अगर हम घोलें तो वो पूरी तरह से घुल जाता है। अल्कोहल में भी एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल को घोलिए, वो पूरा घुल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पानी और तेल को, अगर मिक्स करें पानी या बेंजीन को मिक्स करें, तो ये नहीं घुलते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि यहां पर कोई दो लिक्विड आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो लिक्विड्स का आपस में मिसिबिलिटी या मिश्रणीयता निर्भर करती है इनके अंतर परमाणविक आकर्षण बल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। मान लीजिए कि दो हमारे पास लिक्विड हैं, पहले लिक्विड ए के लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स AA है, दूसरे लिक्विड बी के लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स BB है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो एक नए तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है जो कहलाएगा AB। अब अगर ये नया द्रव द्रव ए और बी के बीच का अंतराणु का आकर्षण बल ज्यादा है इनके प्योर स्टेट से, यानी AA एंड BB से, तो ये मिश्रण कंप्लीटली मिसिबल होगा। ये दोनों लिक्विड पूरी तरह से आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन इनके आपस या इनके प्योर स्टेट के अंतराणु के आकर्षण से ज्यादा है। जबकि अगर ये बहुत कम हो इनके प्योर स्टेट से, तो ये बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लिक्विड मिक्सचर्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिनमें पहला है पूर्णतः मिश्रणीय, कंप्लीटली मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल का मतलब ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स या ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी अनुपात में पूरी तरह से मिल जाते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल एंड वाटर, मेथिल अल्कोहल एंड वाटर, एथिल अल्कोहल एंड मेथिल अल्कोहल, ये सब इसके उदाहरण है। सेकेंड आपका आएगा पूर्णतः अमिश्रणीय, यानी कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। कंप्लीटली इमिसिबल का मतलब होता है अगर आप दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करें, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जैसे पानी और तेल, पानी और बेंजीन, ये बिल्कुल एक दूसरे में नहीं मिलते। तो इसके इसलिए इनको हम कहते हैं कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। अब आते हैं तीसरे टाइप पे, जिसको हम कहते हैं पार्शियली मिश्रण, पार्शियली मिसिबल या आंशिक मिश्रणी। तो पार्शियली मिसिबल का मिसिबल में कौन कौन आएगा, तो पार्शियली मिसिबल में आपका आएगा वाटर एंड डाइएथिलमीन, वाटर एंड फिनॉल, ये कुछ सीमा तक आपस में मिलते हैं, थोड़ा सा मिलेंगे, पर अगर आप ज्यादा मिला दें तो फिर ये अलग लेयर बना लेते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप ऑफ मिक्सचर हुआ लिक्विड इन लिक्विड। अब हम ठोसों का द्रवों में मिश्रण या सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सबसे ज्यादा जिस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में हम डेली लाइफ में आते हैं वो इसी टाइप का है। एग्जांपल के लिए, नमक को पानी में घोल दिया, नमक सॉलिड है, पानी लिक्विड है। शक्कर को पानी में घोल दिया, शक्कर सॉलिड है, पानी लिक्विड है। अब हमको जानना है कि क्या सभी सॉलिड पानी में घुलते हैं, नहीं। अगर आप कपूर में पानी में घोले तो वो नहीं घुलेगा, लेकिन कपूर तेल में घुल जाता है। नमक पानी में घुल जाता है लेकिन तेल में नहीं घुलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ सॉलिड्स
कुछ खास लिक्विड्स में घुलते हैं, दूसरे में नहीं घुलते। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का नियम, समान की समान में विलेयता का नियम है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का नियम क्या कहता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक का नियम कहता है कि पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। जैसे नमक NaCl, Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस, इसलिए ये पोलर या आयनिक सॉल्यूट सॉलिड है। और वाटर जब हम लिखते हैं HOH, तो O के ऊपर थोड़ा पार्शियल माइनस और H के ऊपर थोड़ा प्लस लगाते हैं, इससे ये पता चलता है कि पानी या वाटर भी पोलर है। इसलिए NaCl वाटर में सॉल्यूबल होता है, लेकिन बेंजीन जहां कोई पोलराइजेशन नहीं होता, कोई ध्रुवण नहीं होता, NaCl इसमें सॉल्यूबल नहीं होता। तो ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायकों में घुलेंगे, अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायकों में घुलेंगे। नमक आयनिक या ध्रुवीय है, इसलिए जल ध्रुवी विलायक में घुल जाता है। बेंजीन अध्रुवी विलायक है, इसलिए नमक इसमें नहीं घुलता। ये पहला रीजन है। दूसरा, क्या सभी आयनिक सॉलिड पानी में घुलते हैं? लाइक डिसॉल्व्स लाइक के नियम से तो ऐसा ही होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी, आयनिक सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक और कारक पे डिपेंड करती है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन या विलायकन की ऊष्मा। ठीक है, यहां अगर पानी ले तो इसको हम जल योजन की ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं, एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये ध्यान रखिए कि अगर एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन ये ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो वो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा आयनिक सॉलिड जिसके लिए सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम है, वो सॉल्यूबल है। जिसके लिए लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, वो सॉल्यूबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर का क्या असर होता है? हम सब जानते हैं कि चाशनी बनाने के लिए पानी गर्म करना पड़ता है, क्योंकि ठंडे पानी में शक्कर ज्यादा नहीं घुलता। इससे यह बात एकदम क्लियर होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड सब्सटेंसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ये मूल रूप से इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या है और टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्सेंट्रेशन का बहुत सरल मतलब है किसी विलयन में कितना विलेय उपस्थित है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। आप उस अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो फिर से, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, या विलयन में विलेय की मात्रा को सांद्रता कहा जाता है। इसको कई तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि यदि विलयन को 100 भागों में बांटा जाए तो उसमें कितने भाग विलेय के हैं, ये कहलाता है मास परसेंटेज। नंबर ऑफ पार्ट्स पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाई वेट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। फॉर्मूला है डब्ल्यू बी का परसेंटेज इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ऐसे ही है आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम आयतन के हिसाब से विलयन को 100 हिस्सों में बांटें तो उसमें विलेय के जितने भाग होंगे उसको हम कहेंगे आयतन प्रतिशत, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज. Vb परसेंटेज इज इक्वल टू Vb अपॉन Va प्लस Vb इनटू 100. बहुत सरल है. इसके बाद नॉर्मेलिटी या नॉर्मल का. नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास एक फिक्स्ड यूनिट है, ठीक इसी तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट मास यानी ग्राम तुल्यांक भार भी किसी पदार्थ का एक मूलभूत गुण है. तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं. मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन जीईएम. जीईएम मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट मास. डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वी. जीईएम ग्राम इक्विवेलेंट मास, उसको हम ग्राम तुल्यांक भार कहते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मॉलिक्यूलर मास या अणु भार में उसकी संयोजकता या वैलेंसी का भाग दे देंगे. अब ये वैलेंसी क्या है? जैसे H2SO4 को आप आयनाइज कीजिए तो 2+ चार्ज मिलते हैं और 2-, तो इसकी वैलेंसी हुई 2. NaOH को आयनाइज करने पे 1+ चार्ज और 1- चार्ज मिलता है, इसलिए इसकी वैलेंसी है 1. तो टोटल प्लस और माइनस चार्ज इज इक्वल टू वैलेंसी माना जा सकता है. इसके बाद मोलरता. मोलरता का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. कई जगह ग्राम मोल्स भी लिखा होता है, इससे परेशान नहीं होंगे, मोल ही है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी. कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे. किसी विलयन के 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं. फॉर्मूला m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी इन मिलीलीटर्स लेना है. इसके बाद हमको जानना है नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन है, डेरिवेशन की जरूरत आपको नहीं है. नॉर्मलता इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू संयोजकता या वैलेंसी. तो जब भी आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर ले तो मोलैरिटी को सीधा आप नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं वैलेंसी लगा के. एक फॉर्मूला और जो स्पेसिफिक है, हम जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं N1V1 = N2V2. हम M1V1 यूज नहीं करते, है ना. हम मोलैरिटी के बेस पे कैलकुलेशंस कम करते हैं. तो जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि अगर आपको हर बार एक्यूरेट होना है और आपका क्वेश्चन जो है वो एक मोलैरिटी से दूसरे मोलैरिटी के लिए क्वेश्चन है, गिवन मोलैरिटी से अननोन की मोलैरिटी निकालना है, तो सबसे पहले मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रिजल्ट को अगेन मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लीजिए. इसमें आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे. अगर आप सिर्फ मोलैरिटी के बेस पे कैलकुलेट करेंगे M1V1 = M2V2, तो कई बार आपका रिजल्ट गलत आ सकता है. तो ये ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशन हमेशा कोशिश करें कि नॉर्मेलिटी के बेस पे ही किया जाना चाहिए. अगला तरीका है मोलैरिटी स्मॉल एम. एम बनाने के लिए ध्यान रखेंगे कैपिटल एम मोलैरिटी के लिए है, स्मॉल एम मोलैरिटी के लिए. मोलैरिटी क्या है? किसी विलयन में उसके 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलैरिटी कहते हैं. यहां हमने विलायक लिया है, सॉल्वेंट लिया है और वो भी बाय मास लिया है, ग्राम में लिया है, ये ध्यान रखना है. तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी. नंबर ऑफ मोल्स को हम डब्ल्यूबी अपॉन एमबी से सॉल्यूट के मोल्स को कैलकुलेट करते हैं इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यू. ए रिप्रेजेंट्स द
गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखेंगे। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी किसी भी सॉल्यूट के मोल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। 1000 ग्राम हम ले ही रहे हैं, अपॉन डब्ल्यू ए क्या है आपका, दिए गए विलायक का द्रव्यमान है। इसके बाद अगला टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज का मतलब होता है कि किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या और टोटल मोलों की संख्या का अनुपात कितना है, इसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। यानी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मान लीजिए कि हमारा सॉल्यूशन दो कंपोनेंट ए और बी से बना हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए के मोलों की संख्या एन ए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी के मोलों की संख्या एन बी है। तो ऐसे में ए का मोल फ्रैक्शन जो होगा एक्स ए वो होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी ए के मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोलों की संख्या। ऐसे ही बी के मोलों की संख्या बराबर होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी घटक हों, अगर सभी घटकों के मोल प्रभाजों को जोड़ा जाए तो वो एक मिलता है। यानी द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो आज के लिए हम इतना देखेंगे, कल हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, राउल्ट का लॉ क्या है। थैंक यू।